ओफो, इतनी ट्रैफिक कहाँ से आई? लो भाई, यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह से व्यू चेक करें आप यहाँ का। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी, आज का जो मेरा व्लॉग है वो है नेशनल हाईवे की राइड। मैं जा रहा हूँ नवाबशाह, नवाबशाह से जाऊँगा तो जो कि टोटल डिस्टेंस जो है वो है 145 किलोमीटर है। तो अभी हो रही है बारिश, हल्की फुल्की बारिश, पहले बहुत तेज़ हो रही थी। मैं वेट कर रहा था कि कब बारिश रुकेगी, तो अभी बारिश रुकी है और उम्मीद करते हैं कि रास्ते में हमें कहीं बारिश नहीं मिलेगी और हम आराम से अपना राइड को इन्जॉय करेंगे और आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो पीछे मेरी बाइक खड़ी है और अभी मैं लगाता हूँ इस पे सारा सामान और फिर निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना पानी आ गया, 3 दिन से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। और ये हम आ गए हाईवे पर, आज बहुत ट्रैफिक है भाई, हद से ज़्यादा। मिरर ठीक कर लेता हूँ। कैसे चला रहे हैं ये? गवर्नमेंट की गाड़ी है लेकिन इनको चलाने का तरीका ही नहीं पता कि कैसे चलाते हैं। कैसे कट मार के गया ये? अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 हो रहे हैं, 4:30 से ऊपर हो रहा है टाइम। और मैं सोच रहा था कि 4 बजे निकल जाएंगे, 6 बजे घर पहुंच जाएंगे, 6:30 तक, पर अल्लाह खैर करे मगरिब से पहले पहुंच जाएं। क्योंकि एक तो क्लाउड इतने हैं, बारिश कहीं रास्ते में हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा। मैं घर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और संडे को ईद है, तो इसलिए घर जा रहा हूँ मैं। और ट्रैफिक भी इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि ईद का सब घर जा रहे होंगे। वो तो ना कराची में अपनों में, कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए, हम हैदराबाद से अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक्सपीरियंस के बता रहा था कि वो ये एक्सपीरियंस है कि इस रोड पर सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं और ये नेशनल हाईवे है। और देखें, अब ये ओवरटेक कर रहे हैं 2 ट्रक आपस में, तो पीछे वाले को रास्ता ही नहीं मिलता, इसलिए जो 1 घंटे का सफ़र होता है फिर वो 2 घंटे का हो जाता है। ओफो, इतनी ट्रैफिक कहाँ से आई भाई? यहाँ पर है, ये है पुराना स्टॉप है यहाँ पे, मतलब बाईपास है और यहाँ से मतलब पूरे पाकिस्तान की गाड़ियाँ मिलती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर रश है मेरे ख्याल से। तो पता नहीं कहाँ तक जाम है ये। अच्छा, इसी रोड से सामने से भी गाड़ियां आ रही हैं।
मेरे शूज ही पानी में चले गए। एक तो ये, चलो भाई शुक्र है हम तो निकले। बस आज का सफ़र अच्छा गुजरे, कोई परेशानी ना हो, कंफर्टेबली हम घर पहुंच जाएं। हाला 46 किलोमीटर हाला है। लो भाई यहाँ तो बारिश स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की होती रहे कोई मसला नहीं है, बस तेज ना हो। ये देखें इन्होंने बैग रखा हुआ है पीछे बाइक पर, और ये देखें गिरने वाला है। बस बैग मैंने अपनी बैग पर वाटरप्रूफ कवर भी नहीं लगाए। अभी कहीं रुकते हैं, कवर लगाते हैं, नहीं तो अंदर जो भी सामान है सारा भीग जाएगा। मोबाइल की तो खैर है, मेरा वाटरप्रूफ है, लैपटॉप वो कुछ ना हो जाए। वैसे मज़ा है बारिश में राइड करने का, पर देखो थोड़ा सा डेंजरस भी है, पर ड्यू ना किया तो फिर क्या किया। हमने ड्यू नहीं पी, अगर पी होती ना तो इन ट्रकों को ऊपर से हम ना फ्लाई करके जा रहे होते। तीन साल से इस रोड के अंदर खड्डे हैं, और तीन साल से मैं इधर को सफ़र कर रहा हूँ आना जाना, पर अभी तक ये नेशनल हाईवे है, मतलब मेन रोड है, और ये अभी तक नहीं बना। मौसम ऐसा हो रहा है और चाय पीने का दिल कर रहा है, चाय पीते हैं सईदाबाद की। और ये मेरा सेल आखिरी चल रहा है, इसको भी फिल कराएं, सईदाबाद से कराएंगे। पेट्रोल गया, हो तो नहीं सकता ऐसा कि पेट्रोल चला जाए। मैंने रिजर्व पे तो नहीं लगाई। हाँ रिजर्व पे थी गाड़ी, मैं बोलूँ बंद क्यों हुई है। अच्छा जी अभी मैं यहाँ पर रुका हूँ और मेरी बाइक रिजर्व पर थी, तो मैंने मतलब पता नहीं चला मुझे, और मैंने देखा कि मेरे लेंस पर ना डस्ट लगी हुई थी और पानी के कुछ कतरे थे जो बारिश जो हो रही थी। तो पता नहीं वीडियो लास्ट वीडियो पता नहीं कैसे शूट हुई है, मैंने चेक भी नहीं किया है, पर अभी मैंने पूरा कैमरा क्लीन किया है, होप के अभी वीडियो सही शूट हो रही होगी। तो चलें अब निकलते हैं आगे की तरफ। अब शायद वीडियो सही शूट हो रही है। ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईदाबाद चाय बस छोड़ दें, घर जाके पीते हैं, मूड तो था पीने का पर टाइम लग जाएगा ज़्यादा, आगे कहीं बारिश हो गई ना तो फंस जाएंगे।
कोई अच्छा सा पेट्रोल पंप आए तो हम फ्यूल भरवाते हैं। माशाल्लाह से नज़ारा देखे मौसम के और साथ में एग्रीकल्चर। यहाँ पर कोई होटल होनी चाहिए थी, मतलब के ढाबा टाइप, बंदा व्यू को एंजॉय करता हुआ ना चाय पिए वहाँ। मतलब चाय तो अच्छी होती है पर रश इतना होता है ना कि वो सारा मूड ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए। राइट टर्न करना है, ये सीधा रास्ता जा रहा है बकर जमाली और ये जा रहा है नवाबशाह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ, या ये कोई न्यू रोड बन रहा है इस वजह से। अगर यहाँ साइड में कोई शाख आ जाती है, हाँ देखो आ गई ना, मतलब ये शाख नहीं है, तालाब टाइप है, यहाँ पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो हम सही रूट पर हैं। बच्चे गया, ये क्या हुआ, इतना बड़ा टर्न मैंने नहीं देखा। शुक्र है ये कोई घास वगैरह आ गई, नहीं तो बहुत बुरा गिरता मैं। माशाल्लाह से व्यू चेक करें आप यहाँ का, पर मैं रुका था कुछ देर के लिए, काफ़ी अच्छी सीनरी थी और मुझे कुछ वीडियो शूट करनी थी यहाँ पर, तो वीडियो शूट की है मैंने। आई होप कि आपको पसंद आएगी वो। तो चलें भाई अभी निकलते हैं, नवाबशाह तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है, नवाबशाह से ही पेट्रोल डलाएंगे अब, तो बीच में तो कुछ मिला ही नहीं हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम ऊपर उठा मैं। मतलब इनको कोई कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब मुझे क्या पता, मैं तो स्पीड में आ रहा हूँ।
एनीवे मैं भूल गया था कि मैं पाकिस्तान में हूँ। ओ तेरी भी तो खैर, देखो बंदा बैठा सीढ़ी पर है, चला ऐसे रहा है जैसे कोई प्राडो में होए। सामान देखो पीछे कैसे भरा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी अभी बारिश हुई है, रोड सारा गीला है अभी। ये भाई हम पहुंच गए हैं ज़ीरो पॉइंट पर नवाबशाह। ये जा रहा है अंदर नवाबशाह रास्ता पर, हम जाएंगे बाईपास पर। मैं पहले अंदर से जाता था इधर से ना, तो ये बारों बार निकल जाता था रास्ता नवाबशाह के एंड में, पर अभी बारिश हुई है और रास्ता मुझे नहीं लगता कि सही होगा, इसलिए हम भी ऊपर ऊपर से ही जाते हैं। ये फ्लाईओवर भी नवाबशाह से ही आ रहा है और काजी अहमद की तरफ जा रहा है, काजी अहमद और इधर बहरिया टाउन भी है, और हमने जाना है बिल्कुल सीधे। पहले यहाँ से फ्यूल भरवाते हैं, PSO से। फुल कर दो भाई। मैंने वहां से फ्यूल भरवाया ही नहीं था, मतलब 10 दिन पहले मैंने टंकी फुल करवाई थी। मैं सोच रहा था कि पहुंच जाएगी, पर रास्ते में इसके सिग्नल सारे ड्रॉप हो गए सेल। माशाल्लाह से ये रूट चेक करें आप, क्या कटिंग है ट्रीज की। Awesome. जे हम आ गए हैं मेहरान हाईवे पर, और बाकी हमारा डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, 20 नहीं मतलब कम ही थोड़ा, 15 होगा। इतने लोग इस वैन पर, ये कहीं जलसे में जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं ये? Thank you.
तो जी दौर सिटी में इंटर हो गए हम। राइड काफ़ी अच्छी रही, पूरे 2.5 घंटे में पहुंच गया हूँ। बीच में 2-3 स्टॉप भी लिए, वीडियो वगैरह शूट की, और करते हैं यहाँ पर इस वीडियो का एंड। आई होप कि आपको आज की मेरी राइड पसंद आई होगी। तो मैं जाता हूँ घर चाय पीने, आप भी चाय पीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना।